नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। किसान एकता संघ जिला रीवा द्वारा कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। वही ज्ञापन सौंपते हुए कहा गया है कि अगर किसानों की मांग पूरी नहीं होती है तो मांग पूरी होने तक पूरे प्रदेश में आंदोलन कर विरोध प्रदर्शन करेंगे। किसान एकता संघ द्वारा ज्ञापन देते हुए कहा गया कि किसानों को निम्नलिखित मांगे अगर नहीं मानी गई तो हम आज से मांगे पूरी होने तक पूरे प्रदेश में आंदोलन, प्रदर्शन, धरना आयोजित कर विरोध करेंगे और किसानों की इस लड़ाई को परिणाम तक पहुंचाने के बाद ही दम लेंगे। 5 जून 2020 को मोदी की सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए 3 अध्यादेश पारित किए हैं। उससे किसानों का शोषण होगा, किसान उद्योगपतियों और कंपनियों के अधीन होकर कमजोर होंगे और अंत में असहाय होकर अपनी जमीन कंपनी को देकर कृषि से बाहर होंगे। हम कृषि में कंपनी राज नहीं चाहते, इसका विरोध करते हैं। हरियाणा कृतक क्षेत्र के पिपली गांव के किसानों के ऊपर दमनकारी नीति अपनाकर हरियाणा सरकार ने किसानों पर लाठीचार्ज किया है, उसकी जांच हो और दोषियों पर कार्रवाई हो। डॉक्टर MS स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में जो सुझाव दिए गए हैं उसे लागू किया जाए और MSP पर 50% वृद्धि कर किसानों का उनका समर्थन मूल्य दिया जाए या किसान हित में 4th अध्यादेश फसल समर्थन मूल्य कानून को लागू करना, जिसका अनुमोदन कृषि मूल्य आयोग में खारिफ 2018 की रिपोर्ट में किया है, जो पूरे वर्ष पूरे देश के लिए एक ही है। काशेजा काल के समय का किसान को पूरा KCC और बिजली बिल माफ किया जाए। कोरोना काल में मध्य प्रदेश में कर्ज के कारण जितने किसान आत्महत्या किए हैं उनको 20 लाख का मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, HBN न्यूज। ये किसान एकता संघ जिला रीवा के जिलाध्यक्ष बालेन शेखर मिश्रा एवं उनके अन्य साथियों द्वारा प्रधानमंत्री महोदय, महामहिम राष्ट्रपति महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय एवं कलेक्टर महोदय के नाम संबोधित किसानों की विभिन्न मांगों के लिए ज्ञापन पत्र सौंपा गया है और इसमें कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं और जो अभी किसानों के बारे में शासन द्वारा नियम निर्देश लागू किए गए हैं उसी के संबंध में इन्होंने 5 बिंदुओं का एक ज्ञापन पत्र सौंपा है। जी, इनका ज्ञापन पत्र हम मूलतः अग्रिम कार्यवाही हित माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से जहाँ जहाँ इनके संबोधन हैं वहाँ भेजने की कार्यवाही करें। हम लोग किसान एकता संघ के आज ज्ञापन सौंपने आए हैं। पूरे प्रदेश में आज हमारा किसान एकता संघ ज्ञापन सौंप रहा है, उसके संबंध में आज हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं। उसमें 3 बिंदु पर बात करना है अपने को कि 5 जून 2020 को मोदी जी की सरकार ने जी कृषि क्षेत्र के लिए 3 अध्यादेश पारित किए हैं, उससे किसानों का शोषण होगा, किसान उद्योगपतियों और कंपनियों के अधीन होकर कमज़ोर होंगे और अंत में असहाय होकर अपनी जमीन कंपनी को देकर कृषि से बाहर होंगे। हम कृषि में कंपनी राज नहीं चाहते, इसका विरोध करते। दूसरा, हरियाणा कुल क्षेत्र के पिपली गाँव के किसानों के ऊपर दमनकारी नीति अपनाकर हरियाणा सरकार ने किसानों पर लाठीचार्ज किया है, उसकी जांच हो और दोषियों पर कार्रवाई हो। तीसरा है डॉक्टर MS स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में जो सुझाव दिए गए हैं उसे लागू किया जाए। MSP पर 50% वृद्धि कर किसानों का उनका समर्थन मूल्य दिया जाए या किसान हित में 4th अध्यादेश फसल समर्थन मूल्य कानून को लागू करना, जिसका अनुमोदन कृषि मूल्य आयोग में खरीफ 2018 की रिपोर्ट में किया है, जो पूरे वर्ष देश के लिए एक ही है। कोरोना काल के समय का किसान का पूरा KCC और बिजली बिल माफ किया जाए। पांचवा, कोरोना काल में मध्य प्रदेश में कर्ज के कारण जितने किसान आत्महत्या किए हैं उनको 20 लाख का मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान। नाम बालेन शेखर मिश्रा, पद बता दीजिए। जिलाध्यक्ष ग्रामीण। जो ये मांगे न मानी गई तो फिर आप आगे क्या करेंगे? हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले
और देखते रहे HBN न्यूज।